खार कार्यक्रम पत्रकार वार्ता में मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूँ। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और प्रदेश की बड़ी खबर को पत्रकारों की नजर से देखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा विषय है उनकी यात्रा और इनकी परिक्रमा। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा यात्रा करके नर्मदा को बचाने का संकल्प लिया था और कई तरह के निर्णय भी किए थे। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा पर निकलने वाले हैं। लगभग 6 महीने चलने वाली ये यात्रा पर उनका क्या दृश्य होगा, किस तरह का कोई राजनीति होगी नहीं होगी, इन तमाम सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने पत्रकार मित्रों की नज़र से। लेकिन इसके पहले देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा सेवा यात्रा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी नर्मदा परिक्रमा पर निकलने जा रहे हैं। 30 सितंबर से शुरू होने वाली दिग्विजय सिंह की यात्रा लगभग 3300 किलोमीटर की होगी। दिग्विजय सिंह ने बताया, मां नर्मदा के प्रति उनके मन में बचपन से ही गहरी आस्था रही है। लगभग 20 साल पहले मंडला के विश्राम गृह में विश्राम के समय उन्हें परिक्रमा करने की प्रेरणा मिली और तभी से उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, जो लंबे समय बाद अब मिल सका। इस यात्रा में दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय भी उनके साथ रहेंगी। इस परिक्रमा को दोनों लोग पैदल ही पूरी करेंगे। परिक्रमा बरमान खुर्द घाट से 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगी। परिक्रमा की शुरुआत में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना है ये उनकी निजी धार्मिक यात्रा है। परिक्रमा की शुरुआत में उनके सुपुत्र विधायक जयवर्धन सिंह भी शामिल होंगे। बाद में 4 तारीख से उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी यात्रा में शामिल हो जाएंगे। दिग्विजय की परिक्रमा 6 महीने में पूरी होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह शुरू से ही इस परिक्रमा को पूरी तरह धार्मिक यात्रा बता रहे हैं, लेकिन लगता है नर्मदा सेवा यात्रा कर चुके शिवराज सिंह चौहान को दिग्गी की नर्मदा परिक्रमा का सियासी डर सताने लगा है। देखा आपने, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी धर्म पत्नी के साथ 30 सितंबर यानी दशहरा से इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। इस तमाम सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने पत्रकार मित्रों के द्वारा। हमारे साथ में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश एकता परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, राज्य मंत्री का दर्जा भी है, लेकिन तमाम सारे मुद्दों को बहुत ही गहराई से समझते हैं। हमारे साथ में हैं इस यात्रा के मीडिया सोशल मीडिया प्रभारी योगेंद्र परिहार जी, काफी अच्छा लिखते हैं और इस यात्रा को बहुत नजदीक से वो लगातार कवर भी कर रहे हैं। पहले रमेश जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, इस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है और क्या ये गैर राजनीतिक रह सकती है, जबकि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं, लंबे समय रहे हैं और राजनीति उनके नस नस में है। देखिए, मोटे तौर पर रविंद्र जी, इसको यात्रा को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो यात्रा का आध्यात्मिक महत्व और दूसरा दिग्विजय सिंह जी की यात्रा। यात्रा का आध्यात्मिक महत्व मैं आपको केवल 4-5 वाक्यों में ये कहूँगा कि देश में जितनी भी नदियाँ हैं, केवल यात्रा परिक्रमा अगर की जाती है तो नर्मदा जी की जाती है। नर्मदा नदी गंगा से प्राचीन नदी है। संसार में डायनासोर का जो जीवाश्म मिले हैं तो वो नर्मदा बेल्ट में ही मिले हैं, तो ये नर्मदा की एक विशेषता है। कपिल मुनि ने भी ज्ञान यहीं प्राप्त किया और पूज्य आदि शंकराचार्य जी को ज्ञान यहीं मिला। तो अगर आप देखें भारतीय भारत में तो गंगा सभ्यता के विकास के आसपास गंगा के आसपास रहा है, लेकिन ज्ञान का जो केंद्र रहा है वो नर्मदा रही है। इसलिए इसकी यात्रा का महत्व है और इसकी यात्रा का महत्व 6 माह में या 3 माह में इसकी यात्रा पूरी नहीं होती। ये यात्रा 3.5 साल 3 साल का लगभग इसका समय होता है और एक यात्रा का एक विधान होता है। उस विधान से की गई यात्रा ही आध्यात्म की यात्रा मानी जाएगी। अब चूँकि दिग्विजय सिंह जी यात्रा कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी पहली बार तो मध्य प्रदेश आए नहीं हैं, वो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं जन्मे हैं, यहीं पले हैं, 10 वर्ष वो मुख्यमंत्री भी रहे। तो मुख्यमंत्री रहकर के भी चूंकि उन्होंने नर्मदा जी पर कोई उस समय ध्यान दिया नहीं, एक भी विशेष ऐसी कोई योजना कोई बात उन्होंने नर्मदा जी को लिए या उस बेल्ट के लिए कही हो तो वो दिखता नहीं। तो इस यात्रा का मुझे दो ही उद्देश्य दिखते हैं। एक तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य इसका दिखता है। अगर वो आध्यात्मिक योजना करते तो ये तामझाम की कोई जरूरत नहीं थी, कहीं कहीं टेंट लगेंगे और कहाँ वो सोएंगे और कहाँ कहाँ ना खाएंगे, पूरा चाकआउट हो गया उसका। मेरे पूज्य पिताश्री ने, मेरे पूज्य दादाश्री ने नर्मदा जी की यात्राएं की हैं
और उसका एक सिस्टम है। ग्रस्त भी अगर है, ये लोग आज ये प्रचार कर रहे हैं कि मांग कर खाना, भिक्षाटन करना केवल संतों को लेना है, नर्मदा परिक्रमा में जो ग्रस्त भी जाते हैं उनको भी हाथ में जो लेना है, हाथ में जितना बन जाए, जितना आटा बन जाए, उस आटे की उनको बाटी बनाना है, हाथ के अंदर यानी कर को पात्र माना गया है वहाँ पर, हाथ में जितना आ जाए ग्रस्त के लिए भी ये निर्देश है, उतना लेकर के ही आपको आटा लेना है और उसको बाटी बना करके उसको खाना है, वो पेड़ के नीचे सोना है, बड़ी नर्मदा परिक्रमा का पूरा विधान है उसका, आपको पेड़ के नीचे सोना है, इसका बिल्कुल प्रचार नहीं करना है। प्रचार अगर होगा भाव के अंदर, मतलब भाव तीन है, एक भाव सात्विक है, एक भाव राजसिक है, एक भाव तामसिक है, यदि आप प्रचार करके श्रेय लेकर कर रहे हैं यात्रा तामसिक होगी और इस यात्रा का आध्यात्म महत्व कुछ नहीं होगा। मुझे जो एक बात लग रही है इस यात्रा के पीछे, एक तो दिग्विजय सिंह जी ने चूंकि दूसरी शादी कर ली है तो बस एक बात में, ये यात्रा नहीं है, आप यात्रा बोल रहे हैं, परिक्रमा, वही मैं कह रहा हूँ, इस परिक्रमा को, तो इस परिक्रमा के मुझे दो ही उद्देश्य लग रहे हैं, एक तो चूंकि दिग्विजय सिंह जी ने दूसरी शादी कर ली है, भारत में मध्य प्रदेश के राज परिवारों में एक इतिहास रहा है कि जब भी किसी राज परिवार के किसी व्यक्ति ने दूसरा विवाह किया हो तो कुल कुटुंब ने और समाज ने उस दूसरे विवाह को कम एक्सेप्ट किया है, ये सबके साथ पूरी पूरी कहानियां हैं, इस पर कभी भी अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो एक तो उनको अपनी दूसरी पत्नी को मान्यता दिलाना है, और दूसरा चूंकि 10-15 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और उसके लिए नर्मदा बेल्ट में उनको अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करनी है, मुझे इसका यही दिखता है। चलिए, रमेश जी का ये मानना है कि ये जो नर्मदा परिक्रमा पर दिग्विजय सिंह जी निकलने वाले हैं वो राजनीतिक उद्देश्य से की जा रही है या फिर पारिवारिक कारण से की जा रही है। योगेंद्र जी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये राजनीति से प्रभावित है, जैसा कि लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी राजनेता शामिल नहीं होगा, किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी, कोई भाषणबाजी नहीं होगी। रविंद्र जी, जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ने पहले भी बोला और आज भी एक ही बात बोल रहे हैं कि 20 साल पहले उनके दिमाग में उनको प्रेरणा हुई, नर्मदा जी की प्रेरणा हुई, कि जब उनको लगा कि उनको ये परिक्रमा करना चाहिए। और मैं आपको, रमेश जी यहाँ बैठे, मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि वो एक पंढरपुर की यात्रा करते हैं, उस पंढरपुर की यात्रा में सिर्फ 50 लाख लोग एक दिन में इकट्ठे होते हैं, उस यात्रा का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि पानी के लिए वो यात्रा होती है, वो आषाढ़ की एक एकादशी में होती है, और उसमें सिर्फ ये मांगा जाता है कि इस देश में अच्छा पानी बरसे, व्यक्तिगत किसी भी सिद्धि के लिए वो यात्रा नहीं होती। उस यात्रा में 3 दिन पैदल यात्रा होती है और वो यात्रा दिग्विजय सिंह जी 25 वर्ष से कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊँ, अगर ये कह रहे हैं यात्रा के बारे में, तो मैं, आपने अगर देखा होगा कि वृंदावन में एक परिक्रमा होती गिरिराज जी की, 24 किलोमीटर की परिक्रमा होती, वो लगभग 25 वर्ष से दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, पैदल करते हैं, एक हाथ में बाल्टी में दूध रहता है और दूध डालते हुए, दूध चढ़ाते हुए परिक्रमा करते हैं। ये धर्म की बात आपको ऐसा राजनेताओं के कहीं आपको सुनने का नहीं मिलेगा, जितनी आपने पार्टियां देखी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, RSS हो, आपको एक भी जो धार्मिक बात करने वाले नेता, ऐसा आपको कहीं प्रमाण भी नहीं मिलेगा कि उन्होंने इस तरह की यात्रा की। एक बात, रमेश शर्मा जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अभी कह रहे थे कि प्रचार से दूर रहना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने एक यात्रा की। देखिए, यात्रा और परिक्रमा में बहुत अंतर होता है। शिवराज जी ने यात्रा की, वो हेलीकॉप्टर से उड़ते थे, वहाँ घाट में पहुँचते थे, वहाँ पंडाल लगे रहते थे, वहाँ पे आरती होती थी, वहाँ फिल्म स्टारों को लाया जाता था, वहाँ पे स्टार को लाके, ये क्या था, प्रचार था टोटल। और ये सिर्फ इसलिए था, मैं इसमें सियासत का जो अंग था वो ये था कि ये यात्रा शिवराज सिंह जी ने सिर्फ मध्य प्रदेश की विधानसभाओं को कवर करके की और सिर्फ आकर्षित करने के लिए वहाँ पे कार्यक्रम किए। वहाँ एक भी ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ जिसमें जल संरक्षण की, नर्मदा जी के संरक्षण की बात की गई हो। चाहे उन्होंने, आपने देखा होगा, आपको ध्यान हो रविंद्र जी, वहाँ जब समापन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे, वहाँ पर पर्यावरणविद ने कहा कि आप जिस लेवल का कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं वो यहाँ नहीं किया जा सकता। उसका सबसे बड़ा कारण, रमेश जी मैं आपको बताऊँ, नर्मदा जी की उत्पत्ति जो हुई है वो शाल के वृक्ष वहाँ पर लगे हैं, करोड़ों शाल के वृक्ष हैं, और उनकी जड़ में पानी जो है बारिश का संचित होता है और वो बूंद बूंद बह के उस कुंड में पहुँचता है जिस कुंड से नर्मदा का उद्गम होता है। और उस मेकल रेंज में, जिसमें नर्मदा जी को, आपको अगर जानकारी हो, नर्मदा जी को मेकल सुता भी कहा जाता है, मेकल रेंज में जो पेड़ हैं, वहाँ पर्यावरणविद ने कहा कि जब आप इतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो यहाँ नुकसान होगा और उद्गम स्थल को नुकसान होगा, अगर आपको जरा सी भी परवाह होती नर्मदा जी की तो आप वहाँ वो कार्यक्रम नहीं करते। लेकिन कितना बड़ा आपने वहाँ पर कार्यक्रम किया
और आप प्रचार की बात कर रहे हैं, लोगों को बसों में ले जा लेकर आया गया, ढोल बाजे बजाए गए, पारिश्रमिक वो भी स्वच्छ भारत मिशन में से पारिश्रमिक दिया गया, इसको प्रचार नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप दिग्विजय सिंह जी की यात्रा परिक्रमा की बात कर रहे हैं, परिक्रमा 3 महीने में भी होती है, 15 दिन में भी होती है, 6 महीने में भी होती है, 3 साल 13 दिन, 3 माह 13 दिन में भी होती है, ये उसका पूरा तरीका होता है उसका करने का। और उसमें कहीं पर भी जो अभी आपने कहा कि भिक्षाटन सिर्फ जो स्वामी जी जो संत हैं महंत हैं साधुओं के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। लेकिन चूंकि आपको ये तो मानना पड़ेगा दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं वो जाएंगे, आप सबको रोक सकते हो, रोज ये जारी कर सकते हो कि कोई शामिल नहीं होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं रोका जा सकता, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में सिस्टम बनाया गया कि लोगों को किस तरह से बताना कि कोई भटकेगा नहीं, किस तरह से वहाँ पहुँचना है, वहाँ इस तरह से सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम को आप प्रचार नहीं कह सकते, प्रचार रविंद्र जी, प्रचार का मतलब होता है वहाँ भाषणबाजी करते हैं, वहाँ भाषणबाजी नहीं। यार जी, मैं आपसे कुछ चीजें और जानने की कोशिश करूंगा, पहले जरा रमेश जी से समझ लूं। रमेश जी, जो हमें जानकारी मिली है कि ये जो यात्रा 6 महीने चलने वाली है वो मध्य प्रदेश के 110 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और उन क्षेत्रों से होकर निकलेगी, आपका ये कहना है कि ये राजनीतिक उद्देश्य से की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ राजनीतिक लाभ होगा, क्योंकि अब चुनाव में सिर्फ 15 महीने बाकी है? देखिए, ये बात सही है कि इस यात्रा से या इस परिक्रमा से कांग्रेस को जरूर लाभ होगा। उसका कारण है कि जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि वो 110 क्षेत्रों को कवर करेगी, तो निश्चित रूप से भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसका जो तैयारी हो रही है, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, वो उन सारे क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की बात है। अगर आप देखें, पिछले काफ़ी दिनों से जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा था वो कार्यकर्ता की असमंजस के कारण, उसके असंतोष के कारण और उसके गुटों में बटे होने के कारण, ये उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी, उसमें उत्साह लेकर के आएगी। और मैं समझता हूं उन 110 विधानसभा क्षेत्रों में जहां से दिग्विजय सिंह जी निकलेंगे, कांग्रेस में मान करके चलिए, एक प्रकार की जीवंतता जरूर आएगी, इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस में जीवंतता आएगी और पार्टी को लाभ मिलेगा। योगेंद्र जी, आपने ये आरोप लगाया है कि जो शिवराज जी ने यात्रा की थी और अमरकंटक में जो आयोजन किया था उसके लिए पर्यावरणविदों ने मना किया था, लेकिन अब जो दिग्विजय सिंह जी निकलने वाले हैं परिक्रमा पर, उनके साथ भी हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता चलेंगे, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था आयोजकों ने की है कि वहाँ गंदगी ना हो किसी प्रकार की भी, वहाँ नर्मदा के किनारे गंदे ना हो, या इसके लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति ली जा रही है, या प्रशासन से ऐसा समन्वय किया जा रहा है कि जहां भी वे ठहरेंगे, जहां भोजन होगा, जहां गंदगी होगी, उसको तत्काल साफ करने की कोई व्यवस्था है क्या? पहली बात तो किसी को भी ना आमंत्रण दिया गया ना इसमें बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है उनकी निजी आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा, मध्य प्रदेश के गांव गांव में उनके समर्थक है, ऐसा कैसे संभव है कि वो लोग नहीं पहुंचेंगे? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा उन्होंने सिस्टम रखा या जैसा वो सोच रहे हैं कि जहाँ पर वो रात में रुकेंगे, सुबह तभी निकलेंगे जब पूरा घाट जहाँ रुके हैं वो पूरी सफाई और वो देख लेंगे स्वयं की आंखों से कि यहाँ पे सफाई हो चुकी है, उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य कहीं से भी नर्मदा जी ऐसे अधिकारी घोषणाएं नुकसान पहुँचाने का नहीं। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जो मुझे जानकारी है पुख्ता, उस जानकारी के आधार पर बोल रहा हूँ, कहीं पर भी उनका ये उद्देश्य नहीं है कि उनकी परिक्रमा की वजह से नर्मदा जी को नुकसान हो, क्योंकि वो आध्यात्मिक परिक्रमा है जिसमें वो रोज सुबह पूजन करेंगे, रोज शाम को पूजन करेंगे, तो इसमें कहीं पर भी ये बात नहीं आएगी कि वो वहाँ पर इतनी गंदगी उनकी परिक्रमा की वजह से होगी। चलिए योगी जी, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, उनका जीवन कैसा रहेगा 6 महीने, क्योंकि जो नियम अभी रमेश जी ने बताए हैं उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, भिक्षाटन करना, क्या आपको लगता है कि एक राजा भिक्षा मांगकर पूरे 6 महीने वहाँ रहेंगे यात्रा के दौरान, परिक्रमा के दौरान? ये बात उन्होंने स्पष्ट दिल्ली में पत्रकार के सामने ये कही है कि ये भिक्षाटन वाली बात गलत है, वो भिक्षा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सामान्य भोजन करेंगे, जो सुबह के समय सामान्य भोजन होगा, रात में वो अवॉइड करेंगे भोजन करना, वो सिर्फ सुबह के समय भोजन करेंगे और हल्का भोजन होगा, पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन होगा और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन होगा, हर तरह की जो चीज़ें परिक्रमा में आवश्यक हैं, जो नियम है वो पूरे नियम वो फॉलो करेंगे, ऐसा उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से भी कहा है।
रमेश जी, आपका ये मानना है कि टोटल ये राजनीतिक यात्रा होगी और कांग्रेस को उसका फायदा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको काउंटर करेगी, या ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस आध्यात्मिक यात्रा में वैसे ही शामिल होने लगे जैसे अजय सिंह जी जब कथा कराते हैं तो कई नेता वहाँ पहुँच जाते हैं? देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो एक लाइन और जरूर मैं कहूँगा कि नर्मदा जी की जब यात्रा की जाती है तो तीन बातों का संकल्प उसमें होता है, एक सत्य का होता है, एक अहिंसा का होता है और परोपकार का होता है। ब्रह्मचर्य, सदाश्रता, इन सब के एक पार्ट आते हैं, अहिंसा का एक पार्ट जो है वो उसमें भोजन में आएगा। तो सत्य में, अहिंसा और परोपकार, ये जो तीन बातों का इसमें संकल्प लेकर के चलना होता है, उस आधार पर ये एक आध्यात्मिक परिक्रमा होती है। तो सबसे पहले तो जो पहला उसका कारण है, पहला जो उसका आधार है, पहला उसमें सत्य है, दूसरे नंबर पर अहिंसा आती हो, तीसरे नंबर पर परोपकार आता है, उसका क्रम बना हुआ है। तो पहले सत्य का खंडन तो दिग्विजय सिंह ने यात्रा के पूर्व भी कर दिया। ये यात्रा हमेशा निजी की जाती है और गुप्त की जाती है और इसका प्रचार कभी नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो वो महीनों से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि मैं यात्रा करूंगा। अगर वो प्रचार पर आ रहे हैं तो एक प्रकार से इसका स्वरूप ही उत्सव होगा, फिर इसका आध्यात्मिक महत्व बिल्कुल नहीं रह गया। तो आध्यात्मिक महत्व तो इसका इस यात्रा का बचा ही नहीं, इस यात्रा का केवल राजनीतिक महत्व तो और सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व तो हो गया है। अब व्यक्तिगत महत्व तो यात्रा के लिए, राजनीतिक महत्व तो के लिए एक राजनेता को जो करना चाहिए वो इस मामले में कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। एक राजनेता को अपनी पार्टी के जनसमर्थन जुटाने के लिए और अपने को पैरों को मजबूत करने के लिए जो काम किए जाने चाहिए वो उसको करना चाहिए और वो दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। मुझे उसके उनके क्रियाकलापों से कोई आपत्ति नहीं है, कोई अहस्ता नहीं है। राजनेता को ऐसा करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। मैं केवल इतना बता रहा हूं, इस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व नहीं है, ये यात्रा, ये परिक्रमा आध्यात्मिक नहीं बची है, बस केवल मुझे इतना कहना है। दूसरा जो आपने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या काउंटर करेगी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी काउंटर का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या शिवराज ने जो यात्रा निकाली थी ये उसका काउंटर है। तो चूंकि अब ये उसका काउंटर कर रहे हैं तो अभी आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि इससे जो भी उन्होंने जो 117-110 सीटों में जो उन्होंने कवर किया था उससे उनको जो लाभ हुआ था वो इस बात का आकलन उनको वो जरूर करेंगे राजनीतिक तौर पर कि उनको इसमें कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई और उसके बचाव का किस तरीके से उस डैमेज को वो कंट्रोल करेंगे, ये आने वाला वक्त देखेगा। लेकिन ये यात्रा शिवराज की यात्रा का काउंटर है रविंद्र जी, यात्रा के काउंटर पर यह परिक्रमा है। योगेंद्र जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ और ये मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि पहले ये बात आई थी कि वो भिक्षाटन करेंगे, बाद में उसका खंडन हुआ, अब ये भी यात्रा जानकारी आ रही है कि वो प्रतिदिन 21 कन्याओं को भोजन कराएंगे, उनके पाद प्रक्षालन करेंगे, उसके बाद स्वयं भोजन करेंगे। तो ये व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? यदि एक बार यात्री निकल गया है तो वो तो वहाँ पर कहीं घर से पैसे बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ये भी नियम रहता है कि आप अपने घर का खा नहीं सकते हैं, अपने घर से बुला नहीं सकते हैं। तो ये तमाम सारी व्यवस्थाएं, जैसे टेंट तंबू भी लगाने हैं, 21 कन्याओं को भोजन भी कराना है, तो क्या आपके कार्यकर्ता या पार्टी इस चीज़ों को करेगी या किस तरह का ये सारी? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस 6 महीने में उनका जीवन वाकई कैसा रहेगा? देखिए, आपने अभी जो कहा ये सब बातें अफवाहों के तौर पे चल रही हैं, ये किसी ने अधिकृत बयान नहीं दिया ना, दिग्विजय सिंह जी ने कोई इस तरह का बयान दिया। 21 कन्याओं वाली बात भी गलत है, बयान नहीं दिया उन्होंने। नहीं, बयान नहीं है, पर जो देखिए क्या है, उन्होंने ये जरूर कहा, मैं आपको बताता हूँ कि जब बहुत सारे लोग उनसे मिलने गए और उनसे कहा कि साहब हम आपकी परिक्रमा में शामिल होना चाहते हैं और आप हमें अनुमति दीजिए, तो उन्होंने कहा चूंकि ये मेरी निजी यात्रा है और मैं इसकी अनुमति इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि जब मैं परिक्रमा में जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको भोजन भी वहां पर कराऊं, क्योंकि ये मैं जिस यात्रा में जा रहा हूं, जिस आध्यात्मिक यात्रा में जा रहा हूं, वहां मुझे ये सब नहीं करना कि मैं वहां जाऊंगा और भंडारे कराऊंगा। तो यदि आप यदि इस यात्रा में शामिल होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ जाएँ कन्याओं को, क्योंकि मैं शाम को कीर्तन में बैठूंगा, आप कीर्तन में शामिल होइए, आपका स्वागत है। ये ऐसा उन्होंने स्पष्ट बोला, आपका स्वागत है, आप कीर्तन में शामिल होइए, आप भोजन की व्यवस्था आप देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि आपको कन्याओं को भोजन कराना है तो आप कन्याओं को भोजन कराइए, लेकिन मैं ये कराऊंगा क्योंकि मैं तो यात्रा में, मैं परिक्रमा में निकला हूं, तो मैं उस व्यवस्था से नहीं निकला हूं कि मैं रास्ते में ये आयोजन करूं। योगेंद्र जी, हम भी पत्रकार हैं और हमारे भी तमाम सारे लोगों से रोज संपर्क होता है, बातचीत होती है, हमें भी आपके ही पार्टी के सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि 180 दिन लगभग चलने वाली यात्रा के दौरान
केवल 180 लोग अपने नाम दे दें जो रास्ते में भोजन और कन्याओं के भोजन की और पाद प्रक्षालन की व्यवस्था करेंगे, और आपके उस तरीके की कोई सूची शायद तैयार हुई है, ऐसी जानकारी हमको मिली थी। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए, एक बात का जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ, मैं रमेश जी से टिप्पणी लूंगा, समय की भी कमी है। एक बात और, इस परिक्रमा का नियम है जो कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और रमेश जी भी इस बात से सहमत होंगे कि यात्रा के दौरान आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, किसी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेंगे, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या यह तय है कि पूरे 180 दिन चलने वाली यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह जी किसी प्रकार के कोई सभा को संबोधित नहीं करेंगे, माइक अपने हाथ में नहीं लेंगे? बिल्कुल, तो ये पूरी तरह से वो स्पष्ट कर चुके हैं कि इस अगले 6 महीने उन्होंने अवकाश मांगा। सबसे बड़ी बात ये है, वो पद पे थे, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे 3-3 स्टेट के, उन्होंने सारे स्टेट छोड़े, और कल उनको हाईकमान ने ये अनुमति दी है कि आप 6 महीने के लिए अवकाश ले सकते हैं। मतलब वो अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनको अवकाश दिया गया। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया, ये आधिकारिक तौर पे आ गया, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। आ गया ये आधिकारिक तौर पे, आधिकारिक क्या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 महीने का अवकाश दे दिया है कल से? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस 6 महीने में मैं किसी भी तरह के बयान नहीं दूंगा, किसी भी तरह की राजनीतिक बात नहीं करूंगा, और ना ही कोई पंडाल लगेगा, ना कोई भाषणबाजी की, कुछ भी राजनीति इस 6 महीने के दौरान नहीं होगी, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला। आदरणीय रमेश जी, जैसा आपने सुना, बिल्कुल दावा किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, इवन किसी प्रकार के कोई भाषण नहीं होगा, फिर कैसे कह सकते हैं आप कि ये कांग्रेस में एक जोश बनने के लिए परिक्रमा की जा रही है, ये पूरी राजनीतिक यात्रा है? देखिए, जिस ढंग से इसकी तैयारी चल रही है, महीनों से इसकी तैयारी चल रही है, रोज इसका कुछ न कुछ अखबारों में, सोशल मीडिया में बकायदा एक पूरा तंत्र काम कर रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री यदि यात्रा पर निकल रहे हैं तो मीडिया का तो उसको टारगेट करना रहता ही है, मीडिया करेगा उसको, लेकिन उनका व्यक्तिगत तौर पे अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं है। एक बात बताइए, मीडिया को क्या ये सपना आ रहा था कि दिग्विजय सिंह यात्रा पर निकलने वाले हैं? मीडिया को ये सपना आ रहा था कि वो 6 महीने में पूरी करने वाले हैं? मीडिया को ये सपना आया कि वो 30 तारीख से जाएंगे? मीडिया को ये सपना आया कि वो हर जगह कन्या पूजन करेंगे? बकायदा मीडिया में टिप्स दी गई है, एक एक छोटी छोटी करके दी गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, राजनेताओं को राजनीतिक लाभ के लिए ये सब करना चाहिए। दिग्विजय सिंह कर रहे हैं तो इसमें कोई नया नहीं कर रहे हैं, और उनको करना चाहिए। बल्कि मैं अगर उनके मीडिया सलाहकार होता तो मैं उनको और 2-4 नई सलाह भी देता, कुल मिलाकर के करना चाहिए। चलिए, आपने एक सुझाव दे दिया है इनडायरेक्टली, आपको मीडिया सलाहकार यदि नियुक्त कर लिया जाए तो कांग्रेस का भला हो जाएगा। तो मैं इस यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर की कृपा से समय की कमी है। योगेंद्री आप कुछ कहना चाहते हैं? समय की बहुत कमी है। 2-3 बार रमेश जी बोल चुके कि ये आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि ये मेरी आध्यात्मिक और निजी यात्रा, इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये धार्मिक यात्रा नहीं, कोई आदमी चर्चा अधूरी रहेगी। हमने ये सुना है, उसका भी आप इसमें जवाब दे दीजिए कि दिग्विजय सिंह जी ने कोई एक एफिडेविट टाइप कोई फॉर्म दिया है जिसमें आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा या ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि यात्रा में तभी शामिल हो सकते हैं जब किसी प्रकार की कोई राजनीति ना करें, किसी प्रकार की कोई बयानबाजी, ऐसा कुछ जारी हुआ है? एक फॉर्म बनाया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर इसमें कोई भी व्यक्ति अगर शामिल होता है तो वो अपनी इच्छा से शामिल होगा। यदि आप वहाँ पर अपने मन से आ रहे हो और भीड़ इकट्ठी कर रहे हो तो अपनी इच्छा से शामिल होगा, अपनी व्यवस्था से शामिल होगा। और दूसरी बात, वो ये संकल्प ले कि जिस वक्त वो परिक्रमा में शामिल हो ना मद्यपान होगा। ये, वहाँ पे ये फॉर्म कौन भरवाएगा और किसको सौंपा जाएगा? ये टोटल ऑनलाइन फॉर्म है जिसको गूगल फॉर्म कहते हैं। आप जब ऑनलाइन उस फॉर्म को भरेंगे तो अपने आप डिटेल उसमें फिल होके चली जाती है। तो इस फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखा कि मैं ये संकल्प लेता हूँ कि नर्मदा जी के घाटों की सफाई की जिम्मेदारी ये मेरी है, मैं वहाँ गंदगी करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये उनकी निजी, बार बार उसमें लिखा हुआ ये उनकी निजी यात्रा है और मैं उस यात्रा में विघ्न बनने नहीं जाऊँगा, उसमें व्यवस्था में जाऊँ। और दूसरा, मैं अभी जो बात कर रहा था वो बात पूरी नहीं हो पाई कि इन्होंने बार बार कहा कि आध्यात्मिक यात्रा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रमेश जी, कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स करने के लिए या ढोंग करने के लिए 3840 किलोमीटर की यात्रा है वो पैदल नहीं करेगा। पैदल तभी कर सकता है जिसमें धर्म की आस्था की भावना कूट कूट के भरी हो,
तब वो यात्रा कर सकता, वो ऐसे नहीं कर सकता जैसा आप कह रहे हो कि वो आध्यात्मिक नहीं राजनीतिक है। तो ये मैं आपकी इस बात का खंडन करूंगा। आप मेरी बात का खंडन कर दीजिए, लेकिन भारत में अगर आजादी से लेकर अभी तक देख ले, मैं 100 नाम बता दूंगा जो राजनीतिक यात्राएं पद यात्राएं हुई। नहीं, वो कहकर हुई, वो यात्राएं कहकर हुई। गांधी जी ने, गांधी जी ने यात्राएं निकाली, बोल के निकाली। देखिए, वो यात्रा बोल के निकाली गई, वो अलग विषय। आप चूंकि समय की कमी है, आप दोनों ने अपने विचार रखे हैं। रमेश जी का साफ मानना है कि ये किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक यात्रा है। और अब ये परिणाम बताएगा 6 महीने बाद कि दिग्विजय, इससे कांग्रेस को कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है। जबकि योगेन जी, जो दिग्विजय सिंह जी के जो इस यात्रा के इसके सोशल मीडिया प्रभारी हैं, एक तरह से उनको ये सारा जिम्मा सौंपा गया। उनका साफ कहना है कि ये निजी यात्रा है और ये केवल आध्यात्मिक यात्रा है। इस दौरान दिग्विजय सिंह जी ना कोई माइक लेंगे, ना किसी प्रकार का कोई भाषण देंगे और ना ही कोई राजनीतिक बात करेंगे। एक बात और इस यात्रा में निकल कर आई है कि यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब हम किसी प्रकार की चुगली ना करें, किसी प्रकार की भाषणबाजी ना करें, किसी की आलोचना ना करें। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगले 6 महीने में ये यात्रा मध्य प्रदेश में किस प्रकार के गुल खिलाती है। क्या बात है, ये राजनीतिक यात्रा होगी या आध्यात्मिक यात्रा होगी, ये तो अब समय बताएगा। आप दोनों हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।